देवेंद्र फडणवीस जी और उनकी टीम को महाआशीर्वाद देने के लिए ये जनसागर उमड़ आया है। पावन कुंभ की धरती पर ये जो दृश्य देखने को मिल रहा ये अपने आप में लोकतंत्र के कुंभ का परिचय दे रहा है। एक स्पष्ट संदेश दे रहा है। अरब महाराष्ट्र की जनता ने ठान लिया है, आशीर्वाद उसी को मिलेंगे जो आशा के अनुरूप काम करेगा। और महाराष्ट्र की जनता ने ये मन बना लिया। मैं महाराष्ट्र के राजनीतिक पंडितों को आह्वान करता हूं, वे तत्कालीन घटनाओं पर तो बहुत कुछ लिखते हैं, अच्छा भी है, लेकिन समय की मांग है कि महाराष्ट्र के राजनीतिक उतार चढ़ाव को लेकर के आने वाले दिनों में महाराष्ट्र की जनता को भी जरा अवगत कराएं। पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी के कारण, राजनीतिक अस्थिरता के कारण महाराष्ट्र जिस तेजी से आगे जाना चाहिए था, महाराष्ट्र जिस समर्थ के साथ देश को भी आगे ले जा सकता था, अकेले मुंबई महानगरी की चकाचौंध में महाराष्ट्र के दूर दराज क्षेत्र, महाराष्ट्र के गांव, गरीब किसान राजनीतिक अस्थिरता के शिकार हो गए। कोई भी हैरान हो जाएगा कि महाराष्ट्र, पुणे तो एक प्रकार से दूसरा काशी कहा जाता है, ज्ञान की नगरी कही जाती है, ज्योतिबा फुले से लेकर बाबा साहब अंबेडकर तक अनेक तेजस्वी ओजस्वी महापुरुषों को जिस धरती ने जन्म दिया है, छत्रपति शिवाजी महाराज की चरण रज आज भी हम लोगों को ऊर्जा देती है। उस महाराष्ट्र में कोई मुख्यमंत्री, कोई सरकार लगातार 5 साल न चलना, इतने बड़े लंबे कालखंड में सिर्फ 2 ही उदाहरण, एक वसंतराव और दूसरे देवेंद्र जी। देवेंद्र जी ने 5 साल अखंड अविरत साधना करके महाराष्ट्र की सेवा की, मैं बधाई देता हूं। लेकिन मेरा दुख बताना चाहूंगा, अच्छा होता कि पूर्व में भी महाराष्ट्र में सरकारें लंबे समय तक स्थिरता के साथ चली होती। और आपने देखा होगा कि पूर्ण बहुमत न होने के बावजूद भी स्थिर सरकार, प्रगतिशील सरकार, विकासशील सरकार, महाराष्ट्र को समर्पित सरकार ये चला करके देवेंद्र जी ने महाराष्ट्र को एक नई दिशा दी है। अब महाराष्ट्र की जिम्मेवारी है कि
फिर एक बार देवेंद्र जी के नेतृत्व में स्थिर राजनीति का फायदा उठाना चाहिए। मेरा ये सौभाग्य रहा है, आप लोगों ने इतने आशीर्वाद दिए हैं। मैं गुजरात का रहने वाला हूं, गुजरात को आपका छोटा भाई है, कभी आप ही के साथ एक ही थाली में खाना खाते थे। गुजरात अलग हुआ, महाराष्ट्र अलग हुआ, गुजरात बना सन 60 में, महाराष्ट्र राज्य भी उसी समय बना 1 मई को, और जनता जनार्दन के आशीर्वाद से गुजरात के पूरे जीवन में सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री के रूप में जनता की सेवा करने का सौभाग्य वहां के लोगों ने मुझे दिया। और इतना ही नहीं, पॉलिटिकल पंडितों को समझ नहीं आता है, वो तो वो इसके साथ गया तो ऐसा होगा, वो इसके साथ गया तो ऐसा हो गया, वो बैठ गया तो ऐसा होगा, वो खड़ा हो गया तो ऐसा होगा, वो इसी में उलझे होते हैं। जनता जनार्दन के प्रति समर्पण भाव की अपनी एक ताकत होती है। जो फायदा देवेंद्र जी को मिला है, जो कभी मैं राज्य में था तो मुझे मिला था, और जब लोकसभा का चुनाव हुआ, ये हमारे पॉलिटिकल पंडितों को जरा मुश्किल है इन बातों को कहना, तो उनकी अपनी तकलीफें हैं। 60 साल के बाद पहली बार एक सरकार दोबारा चुन करके आई और पहले से ज्यादा ताकत लेकर के आई, ये हमारे देश में 60 साल के बाद हुआ है। और आपने देखा ना, जब आप ताकत देती है तो सरकार कैसे ताकत से काम करती है, करती है ना। आप खुश हैं, 100 दिन में नजारा देख लिया। ये आपकी ताकत है, यह आपके आदर्श का सामर्थ्य है, यह आपके आदेश के कारण हो पा रहा है। साथियों, थोड़ी देर पहले फडणवीस जी बता रहे थे कि कैसे पूरे महाराष्ट्र में जन जन के बीच जाकर उन्होंने अपने 5 वर्ष के काम का हिसाब दिया है। जो जिम्मेदारी आप सभी ने 5 वर्ष पहले इनको सौंपी थी, उसका रिपोर्ट कार्ड उन्होंने आपके सामने रखा है। बीते 5 साल में महाराष्ट्र को स्थिरता मिली, विकास मिला, कानून व्यवस्था का विश्वास मिला। बीते 5 साल में महाराष्ट्र को सामाजिक सद्भाव मिला, सहकार मिला और सरोकार का भाव भी मिला। बीते 5 साल में महाराष्ट्र को आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर का झाल मिला, तो यहां की सांस्कृतिक भव्यता को मान और सम्मान भी मिला। बीते 5 साल में महाराष्ट्र में निवेश का बेहतरीन माहौल बना, तो किसान को भी बेहतर सुविधाएं और सहयोग मिला। बीते 5 साल में महाराष्ट्र की बहनों को मुद्रा ऋण और स्व सहायता समूहों से स्वरोजगार के अनेक नए अवसर मिले, धुएं से मुक्ति मिली और पानी के लिए संघर्ष भी कम हुआ। बीते 5 साल में महाराष्ट्र के जनजातीय समाज की, बंजारा समाज की आवाज को बुलंदी मिली, उनके सपनों और आकांक्षाओं को
नया विस्तार मिला। ये सिर्फ फडणवीस सरकार का रिपोर्ट कार्ड नहीं, ये महाराष्ट्र के उत्थान की कहानी है और आने वाले दिनों में और भव्यता का उसमें संकेत समाया हुआ है। साथियों, ये रिपोर्ट कार्ड सिर्फ 5 वर्ष बाद आया है ऐसा भी नहीं है, बल्कि भाजपा की हर सरकार की यह विशेषता रही है कि वो अपनी परफॉर्मेंस का निरंतर हिसाब देती रहती है। भाइयों और बहनों, लोकसभा चुनाव के दौरान जब आपके बीच में आया था तब भी मैंने आपसे कहा था कि देश के विकास की गति तेज होगी, समय सीमा के भीतर होगी और समय समय पर उसका हिसाब जनता जनार्दन के दरबार में आकर के देता रहूंगा। केंद्र में नई सरकार को बने 100 दिन पूरे हो चुके हैं और इस कार्यकाल का पहला शतक आपके सामने है, देश के सामने है। इस पहले शतक में धार भी है, रफ्तार भी है और आने वाले 5 वर्षों की एक साफ सुथरी तस्वीर भी है। पहले शतक में देश, समाज और दुनिया में नए भारत के नए दृष्टिकोण की झलक है, कठिन चुनौतियों से टक्कर की ललक भी है। पहले शतक में ही विकास का जोश भी है और भारत की वैश्विक ताकत का संदेश भी है। पहले शतक में वेलफेयर का विश्वास भी है और देश के अर्थतंत्र में सुधार का, रोजगार के नए अवसरों के निर्माण का प्रयास भी है। साथियों, इस पहले शतक में प्रॉमिस है, परफॉर्मेंस है और डिलीवरी भी है। हमने प्रॉमिस किया था कि महाराष्ट्र के देश के हर किसान परिवार को, चाहे वो महाराष्ट्र का हो, हिंदुस्तान के किसी भी कोने का हो, पीएम किसान सम्मान निधि का लाभ उसको देंगे और सरकार बनते ही ये काम हमने पूरा भी कर दिया। आज देश भर में 20,000 करोड़ रुपए से अधिक किसानों के खाते में ये रकम पहुंच चुकी है और जिसमें 1500 करोड़ रुपए उससे भी ज्यादा अकेले मेरे महाराष्ट्र के किसान परिवारों के खाते में जमा हुए। हमने प्रॉमिस किया था कि छोटे किसानों को, व्यापारियों और दुकानदारों को निश्चित पेंशन से जोड़ेंगे और कुछ दिन पहले इसको भी हमने डिलीवर कर दिया। हमने प्रॉमिस किया था कि जिस तरह देश के गांव गांव में बिजली पहुंचाने का काम किया है उसी तरह, और मेरी माताएं बहनें खास सुने, हमने जैसे शौचालय का काम चलाया, बिजली का चलाया, अब ठान के लिया है मेरी माताएं बहने घर घर जल पहुंचाने के लिए जुटेंगे। पानी पहुंचाएंगे, इस पर भी बहुत तेजी से काम आरंभ हो चुका है। हमने प्रॉमिस किया था
कि देश के पशुधन को गांव और किसान की समृद्धि की रीढ़ बनाएंगे। देश के 50 करोड़ से अधिक पशुधन, उनको बीमारी से बचाने के लिए टीकाकरण का काम शुरू हो चुका है। और मैंने देखा है हमारे पॉलिटिकल पंडित, सरकार कोई भी काम करती है तो दिमाग में खपाते, ये चुनाव है इसलिए किया, चुनाव है इसलिए किया। ये जो 50 करोड़ पशुधन को टीकाकरण का अभियान चलाया है, इन पॉलिटिकल पंडितों को पता होना चाहिए कि पशुधन वोट देने के लिए नहीं जाता है। हम काम देश के लिए करते हैं। हमने प्रॉमिस किया था कि आदिवासी युवाओं को शिक्षित करने के लिए, कौशल निर्माण के लिए एकलव्य मॉडल स्कूल का जाल बिछाएंगे। देश भर में 462 स्कूल की डिलीवरी का काम शुरू हो चुका है। हमने प्रॉमिस किया था कि देश की सेना को सशक्त बनाने के लिए, अपने सैनिकों के सशक्तिकरण के लिए आवश्यक हर कदम उठाएंगे। हाल में 2 महाशक्तिशाली हेलीकॉप्टर हमारी सैन्य शक्ति का हिस्सा बन चुके हैं। बहुत जल्द राफेल फाइटर जेट भी हमारे वायुसेना को सशक्त करेगा। तीनों सेनाओं के बीच बेहतर तालमेल के लिए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बनाने के लिए दशकों से चर्चा चल रही थी। ये फैसला भी मैंने 15 अगस्त को लाल किले पर से घोषित किया था और उसको भी आगे बढ़ा दिया है। साथियों, देश की सुरक्षा तैयारियों को लेकर हमारी सरकार पूरी तरह प्रतिबद्ध है। अपने हर वायदे को पूरा कर रही है, लेकिन देश की रक्षा को लेकर पहले की सरकारों का कैसा रवैया रहा है, इसे बार बार याद किए जाने की जरूरत है। भाइयों बहनों, हमारी सेना ने 10 साल पहले यानी 2009 में 1,86,000 बुलेट प्रूफ जैकेट की मांग की थी। बिना बुलेट प्रूफ जैकेट हमारा वीर जवान देश के दुश्मनों से लड़ रहा था। 2009 से लेकर अगले 5 साल बीच समय गया, लेकिन कांग्रेस की सरकार ने, एनसीपी के समर्थन से चल रही सरकार ने सेना की इस जरूरत पर ध्यान नहीं दिया। उनके लिए बुलेट प्रूफ जैकेट नहीं खरीदी। जब भाजपा एनडीए की सरकार आई तो हमने बुलेट प्रूफ जैकेट खरीदने की प्रक्रिया शुरू की और ये हमारा नासिक तो भोंसले मिलिट्री स्कूल से जाना जाता है। इतना ही नहीं, हमने व्यवस्थाएं बनाई ताकि ये जैकेट भारत में ही बने। साथियों, बीते 5 वर्षों में हमने न सिर्फ सेना की जरूरतों को, हमारे वीर जवानों की जरूरतों को पूरा किया, उन्हें बुलेट प्रूफ जैकेट दिलाई, बल्कि अब उससे भी एक कदम आगे बढ़ गए हैं। अब भारत दुनिया के उन कुछ देशों में शामिल हो गया है जो अंतर्राष्ट्रीय स्टैंडर्ड की बुलेट प्रूफ जैकेट बनाता है। इतना ही नहीं,
दुनिया के 100 से ज्यादा देशों में आज भारत में बनी बुलेट प्रूफ जैकेट एक्सपोर्ट हो रही है, निर्यात की जा रही है। साथियों, भाजपा सरकार का मतलब ही है देश की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता। हमारे लिए देश से बड़ा कुछ नहीं है। चला 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 पुना आणुया आपले सरकार। जय भीम, जय भवानी, जय भवानी, जय शिवाजी, जय शिवाजी। दोनों मुट्ठी बंद करके बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद।